नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पर काफ़ी सारे जोमैटो से रिलेटेड वीडियो अपलोड की है, तो हमने आपको उसमें तरह तरह की वीडियो में आपको आपकी हेल्प करने की कोशिश की है और सभी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है बड़े अच्छे से और आपको अच्छे से समझाया है। तो काफ़ी लड़के उन वीडियो पर कमेंट करते हैं जिनकी अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, तो कमेंट कर रहे हैं कि हमने अभी जो है न्यू ज्वाइनिंग की है ऑनलाइन, तो हमें अभी जो है जोमैटो बैग नहीं मिला है, जोमैटो टी शर्ट नहीं मिली है, वो कब तक मिल जाएगी, या फिर हम बिना जोमैटो के बैग से टी शर्ट से ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्त, जब भी आप जोमैटो कंपनी में ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं या आप ऑनलाइन करते हैं, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन में लिखा रहता है कि आपको विद इन 2 डेज के अंदर आपको बैग, टी शर्ट, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है जोमैटो की, वो आपको दिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों, इस तरह से आपको मिलता है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह से जोमैटो का बैग होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक ही होती है, इस तरह का बैग आपको मिलता है और यहाँ पर आपको जोमैटो का जो स्टिकर है वो लगा रहता है। और आपको इस तरह की 2 टी शर्ट आपको दी जाती है, यानी जिन पर जिस पर जोमैटो लिखा रहता है रेड कलर की होती है, इनका सारा सामान जो होता है रेड कलर का होता है, और यहाँ पर ऑर्डर ऑनलाइन लिखा रहता है, आपको 2 टी शर्ट आपको मिलेंगी। और अगर आप सर्दियों में जोमैटो कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप रेनी सीजन में आप जोमैटो कंपनी ज्वाइन करो, तो आपको इस तरह से आपको एक रेनिंग कोड मिलता है जो कि सर्दियों में आपके काम आता है, यानी ये एक 2-in-1 है, सर्दियों में भी काम आता है और रेनिंग कोट में भी काम आता है। अगर बारिश हो रही है तो इसके अंदर एक भी बूंद पानी का नहीं जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो अगर आप इसे पहन लेते हो तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। तो आपको ये आपको जो दिए जाते हैं वहाँ पर जोमैटो कंपनी में, अगर आप जोमैटो कंपनी को ज्वाइन करते हो, चाहे आप ऑफलाइन करते हो चाहे आप ऑनलाइन करते हो, तो ये सब का कुछ आपको दिया जाता है विद इन 2 डेज के अंदर दिया जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि आपको ये अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये अगर फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो जोमैटो कंपनी को, तो ये बिल्कुल फ्री होता है। आपको सिक्योरिटी फीस देनी होती है, वो 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है। पहले 1500 भी सिक्योरिटी फीस थी इनकी, वो आपके बाद में रिफंडेबल होती है। जब आप कंपनी को छोड़ना चाहोगे तो आपको उनका बैग, टी शर्ट, जो जो आपको मिली है वो आपको वहाँ पर सबमिट कराना होगा ऑफिस में, तो देन आपका जो रिफंडेबल होता है, आपने जो भी जितनी सिक्योरिटी फीस दी है वो आपका रिफंडेबल हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपके आपने ज्वाइनिंग कर लिया है और आपका जो ये सामान है आपको मिला है जोमैटो की तरफ से, यानी ये आप दोबारा लेना चाहते हो, तो आपको इसकी फीस पे यानी फीस पे करनी पड़ेगी, तो आपको दोबारा ही मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि हमें अभी तक नहीं मिला है तो हम क्या जोमैटो में ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों, कंपनी आपको बोलती है कि आपको 2 दिन के अंदर ये मिल जाएंगे। जब भी आप जोमैटो कंपनी को ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी TL जोमैटो का यानी टीम लीडर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, जोमैटो का सीनियर एग्जीक्यूटिव कॉन्टैक्ट करेगा और आपको बताएगा, आपकी ज्वाइनिंग कराएगा। तो उसी का काम होता है कि आपको ये बैग देना, टी शर्ट देना, यानी रेनिंग कोट देना, उसी का काम होता है, उसी का सारा प्रोसेस होता है आपके ऊपर कि आपको क्या क्या देना है और कैसे कैसे आपको जो ज्वाइनिंग करानी है। वो आप जब भी आप ज्वाइनिंग करोगे, यानी अगर आपने नहीं पूछा तो आप उसे कॉन्टैक्ट करिए दोबारा से, अगर आपके पास उसका नंबर है, जब भी आपने ज्वाइनिंग के दौरान उसे बातचीत की है तो आप उसे कॉन्टैक्ट करिए और आप उसे बोलिए कि हमें बैग टी शर्ट कब दोगे या फिर कब तक मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, जो ज़्यादा समय लगता है वो 1 वीक का लगता है, वैसे 2 दिन का समय बोलते हैं जोमैटो कंपनी, वैसे 1 वीक के अंदर आपको मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज्वाइनिंग होती है तो इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम खींच सकता है। उसके बाद दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि हमने जोमैटो कंपनी ज्वाइन किया तो हम ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, 50-50 चांस होते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अब क्या हो रहा है कि जब भी आप ऑर्डर किसी कस्टमर पिक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि पर ऑर्डर के हिसाब से आपको सेल्फी देनी होती है, यानी कि उसमें आपको अपनी टी शर्ट आपको पहननी होती है रेड कलर की, जो आपको यानी सामान आपको जोमैटो कंपनी से मिला है बैग, टी शर्ट, वो आपको पहननी होती है और उसके दौरान आपको सेल्फी देनी होती है। अगर दोस्तों इनकेस अगर आप यानी जोमैटो की टी शर्ट नहीं पहनते या फिर आपके पास रनिंग कोट है वो नहीं पहनते, तो अगर आप बिना उसके अपने कपड़ों में, सिविल कपड़े में अगर आप कोई सेल्फी आप क्लिक करके आप क्लिक करोगे, तो अगर आपने वो यानी टी शर्ट नहीं पहनी तो आपसे चार्जेस आपके लग जाएंगे, यानी कि आपके आपके ऊपर प्लेंटी पड़ जाए, जो कि 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर चार्जेस कितना लगेगा, वो हम आपको नहीं बता सकते, यानी 100 से लेकर 1000 रुपये तक होती है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास अगर ये सामान नहीं है बैग, टी शर्ट, तो आप अभी ऑर्डर ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर वो सेल्फी का ऑप्शन आ गया तो आपके क्या करना पड़ेगा कि आपको टी शर्ट पहनकर आपको सेल्फी देनी होगी, तो तभी आप इससे प्लेंटी से आप बच सकते हो। तो अगर आप पे नहीं है तो आपके ऊपर जरूर प्लेंटी पड़ेगी, वैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। वैसे दोस्तों, काफ़ी लड़के कर भी रहे हैं ऑर्डर, जैसे कि
सेल्फी के दौरान किसी के टेंशन मांग लेते हैं, पर आपको कौन देगा उस टाइम अगर आपके पास नहीं है यानी कोई राइडर, तो आप किसकी टेंशन मांगोगे वगैरह वगैरह, यानी काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि जब आपके पास ये सब बैग टी शर्ट आपके पास आ जाएगी तभी आप इसमें ऑनलाइन ऑर्डर देना स्टार्ट करिए, वरना आप अभी नहीं करिए, पहले आप अपना बैग टी शर्ट लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये बैग जो होता है इसके अंदर जब आप ऑर्डर लेते हो तो वो जो ऑर्डर होता है अगर वो गर्म है तो गर्म का गर्म रहता है, इसमें उसमें हवा जो है क्रॉसिंग नहीं होती। ये बॉक्स जो होता है जोमाटो का, वैसे ये कपड़ों का बना होता है लेकिन जो बहुत ही हार्ड होता है इसमें हवा जो है क्रॉस नहीं होती, तो जो ऑर्डर होता है वैसे का वैसा रहता है, जैसे आप वहाँ से रेस्टोरेंट से लोगे तो वैसे का वैसा ऑर्डर रहता है। तो ऐसे आप दोस्तों आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको मैंने इस वीडियो में दूर कर दिया है। अगर भी अभी भी आपका कोई क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लड़के हमें कमेंट भी करते हैं कि हमें जोमाटो का TL का नंबर दीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जोमाटो के हर लोकेशन में अलग अलग TL होते हैं, यानी मेरे लोकेशन में अलग है, तुम्हारे लोकेशन में अलग है, तो काफ़ी लंबी टीम इन्वॉल्व होती है जोमाटो में, तो इसलिए जोमाटो के सभी के कॉन्टैक्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए एक नहीं होते। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में किसी का भी नंबर हमसे ना पूछे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ओवर हेल्प चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, यानी कि आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहां पर आपको रखना है zomatorunner.in, आपको लिख देना है और आपको सर्च कर देना है, उनकी वेबसाइट पर जाइए, नीचे आपको इनके कॉन्टैक्ट वगैरह मिल जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए और आपको इजीली से उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रॉब्लम जो फेस करने को आपको मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो इसी तरह की टेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।